हाय एवरीवन, इट्स मी निशू। और मैं आज क्या करने जा रही हूँ, आज है समथिंग न्यू, नॉट बोरिंग, नॉट स्किन केयर, नॉट मेकअप, नथिंग एट ऑल। अभी मैं ताज़ा तरोताज़ा ताज़ा ताज़ा अभी अभी ना आई हूँ, सो मेरे बाल जो है ना फुल ऑफ वॉल्यूम, इसकी तरह चपाती थोड़ी देर बाद बनेगी मेरे बालों की, क्योंकि मेरे बाल भी बिल्कुल इसी के जैसे हैं, बिल्कुल फ्लैट, डेड, स्ट्रेट। अच्छा तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। आज इस्लामाबाद जा रही हूँ डिज़ाइनर के पास, डिज़ाइनर ड्रेस मैंने पिक करना है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों ने रिक्वेस्ट की थी कि एंगेजमेंट लुक क्रिएट करके दिखाएं, तो वो मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगी। ज्वेलरी है वो भी एक दो दिन में रिसीव हो जाएगी, और फिर मैं इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एंगेजमेंट लुक क्रिएट करके आप लोग को दिखाऊंगी। बस है, बस है, ज़्यादा एक्शन ना मारो। रोशनी में इतने खौफनाक भी नहीं लगते जैसे कि अंदर लग रही थी। सो लेट्स गो। जरूरी था मेरी दोस्त से मिलना जिसका नाम था सवेरा, एंड बीच में मुझे पता लगा कि जो डिज़ाइनर की अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो चुकी है, उनको कुछ काम था। तो हम चल पड़े मौज मस्ती करने के लिए, फिरने टुरने के लिए और सवेरा से मिलने के लिए। बच्चे पूरा टाइम अपने अब्बा हजूर के साथ थे एंड मैं अपनी दोस्त के साथ। सम मी टाइम, यू नो, हम लड़कियों को भी थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। अच्छा भाई, व्लॉग मैं बनाने निकली थी लेकिन हर जगह पे और हर शॉप पे लोग बोल रहे थे प्लीज़ वीडियो मत बनाएं, प्लीज़ रिकॉर्ड मत करें, जैसे पता नहीं इनके डिज़ाइंस कोई चोरी कर लेगा। आई वॉज़ लाइक क्या मुसीबत है, करने तो थोड़ा बहुत। मैं आउटफिटर्स गई, इवन आउटफिटर्स में भी मुझे वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं मिली, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, यू नो, अच्छाई दिखा रही थी, पूछ लिया तो मैनेजर ने बोला कि नहीं भाई स्टॉप इट। तो मैंने एक लॉन्ग सी ड्रेस पहनी हुई थी एंड आई डोंट नो कि वीडियो में मैं क्यों इतनी मोटी दुम्बी लग रही हूँ, आई डोंट नो। देन हम गए गीगा मॉल की तरफ, क्योंकि मैंने और सवेरा ने डिसाइड किया था कि हम यहीं पे मिलेंगे। हु इज़ सवेरा? सवेरा मेरी फ़ैन थी पहले एंड नाउ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा उसके साथ एंड हम काफ़ी फिरे टुरे, हमने काफ़ी चीज़ें खरीदी एंड सवेरा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे सवेरा की बर्थडे थी एंड आई थॉट कि सवेरा कुछ पसंद करेगी तो मैं वहीं पर ख़रीद के उसको गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि आई एम रियली बैड, मतलब मेरा कोई फ्रेंड नहीं था एंड आई डोंट नो कि कैसे गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो दोस्तों के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो आई थॉट वो खुद कुछ पसंद करेंगी एंड देन वो मैं उसको गिफ्ट कर दूंगी, बट सवेरा उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। चलो भाई, ये चार्ल्स एंड कीथ की शॉप थी एंड फाइनली आई मेट हर। मैंने इसका फेस ब्लर कर दिया, शी सेड कि ब्लर मत करना, बट स्टिल आई थॉट कि शी इज़ मैरिड तो थोड़ा ब्लर ठीक है। फिर हम खाड़ी गए, खाड़ी की न्यू स्किन केयर लाइन लॉन्च हुई है जिसमें शावर जेल्स, बॉडी मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, लिप बाम्स एंड फेस मॉइस्चराइजर, फेस मास्क, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो मैंने ये शर्ट पसंद की जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये ख़रीदी, इसके साथ मैंने पिंक कलर की एक दुपट्टा भी साथ में सिलेक्ट किया। देन हम गए क्रॉस स्टिच, यस, और वहाँ पे मैंने ये शर्ट सिलेक्ट की, बट सवेरा सेट की ये बहुत शॉर्ट है, डोंट गेट इट, तो मैंने इसको छोड़ दिया। एंड बहुत सारे जगहों पे सेल लगी हुई थी, हर जगह पे सेल थी तकरीबन, लाइक आउटफिटर्स, क्रॉस स्टिच, खाड़ी, हर जगह पे से फायर। आई लाइक दिस वन, लाइक ये टू पीस था बट सवेरा सेट शॉर्ट है, बट मुझे अच्छा लगा, आई टोटली फॉरगॉट टू बाय इट। बट हम गए फिर बोनेंजा एंड बोनेंजा की स्किन केयर नहीं भाई, मेकअप पे 20% ऑफ था। आई थॉट मैं कुछ ख़रीद लेती हूँ रिव्यू के लिए। हमने दोबारा आने का सोचा एंड हम फिर भूल गए, मतलब टाइम बहुत कम था एंड ये था उसका हाइलाइटर एंड कंटूर एक ही पैलेट में, एक ही किट में, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। फिर हम गए थे चिनेर, एडिटिंग में थोड़ा सा मसला हो गया, सॉरी। तो ये है भाई उसका हाइलाइटर एंड कंटूर किट, इन स्टाइल इसका नाम है
एंड ये था इसका लिक्विड हाइलाइटर जो कि मुझे बहुत 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 पसंद आया था, बट मैंने ख़रीदा नहीं। आई विल बी बाइंग एंड रिव्यू करूँगी सून आप लोगों के साथ कि ये कैसा है कैसा नहीं। इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आपने रिव्यू देखना है इसका तो। अच्छा भाई, तो सवेरा ने लेना था ब्लैक लाइनर, शी वॉज़ कन्फ्यूज्ड कि इंगलॉट का लूँ कि यहाँ का लूँ, बट उसने दोनों का नहीं लिया। एंड दैट्स मी, आई एम लुकिंग ह्यूज, बहुत ही मोटी लग रही हूँ मैं, आई डोंट नो व्हाई। बट देन हम गए मतलब यहाँ जब मैं गीगा मॉल में आई, आई मेट सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों से मैं मिली, मैं उनकी पिक्चर्स लगा देती, बट यू नो। देन हम गए स्वारोस्की एंड वहाँ से आई थॉट कि मैं अपने लिए और सवेरा के लिए मैचिंग रिंग्स ले लेती हूँ, बट सवेरा को अगेन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था एंड शी सेड आई डोंट वॉन्ट टू बाई दीज बिकॉज शी लाइक्स डायमंड एंड गोल्ड। तो आई थॉट ज़्यादा फ्री नहीं होना बिकॉज आई कॉन्ट बाय गोल्ड एंड डायमंड फॉर यू। एंड ये सवेरा की रिंग थी गोल्ड की जो कि मैंने पहन के थोड़ा सा शोखा बनने की कोशिश की, एंड फाइनली शी लाइक दिस रिंग जो कि 22,000 रुपीज़ की थी, बट सेल थी तो ये 14,000 रुपीज़ की थी। एंड आई थॉट कि मैं ये ले लेती हूँ, बट शी सेड नो डोंट बाय, मतलब इट इज़ एक्सपेंसिव। तो फिर हमने छोड़ दिया। आई लाइक दिस वन जो कि इसकी इंगेजमेंट रिंग पर है, लाइक वाइट और ग्रीन क्रिस्टल्स में। देन हम मेकअप सिटी गए, मेकअप सिटी में मैंने ये वेट केक कहा कि आई नीड दिस आइवरी शेड क्रेलॉन का, बट इट वाज आउट ऑफ स्टॉक। तो हम वहाँ से निकल आए, देन हमने कुछ ड्रिंक्स ख़रीदी एंड KFC का बर्गर खाया एंड बहुत सारी गपशप लगाई। मिनीसो गए, मिनीसो से शॉपिंग की। यू नो व्लॉग करना इज सो 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 डिफिकल्ट। नजो लोगों को पता तो चले कि मेरी जो दोस्त है इतना गंदा टिश्यू मैंने रखा हुआ है साइड पे। ये मुझे इतना पसंद आया ये वाला ब्रश, मैंने पिक्चर बना के मैंने सेपरेट मंगवाना है, बहुत अच्छा ब्रश है। तो आई वॉज़ फीलिंग सो बैड कि बर्थडे उसकी थी और सवेरा मेरे लिए गिफ्ट ले आई। आई लव यू सो मच सवेरा। एंड ये थी एंडिंग हमारे व्लॉग की। हमने यू नो इसके बाद हम लोग घर चले गए। या हाय गर्ल्स, अच्छा तो रात को बहुत लेट हो गया था और व्लॉग को थोड़ा एंड करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मुझे नहीं पता कि लड़कियां कैसे वो व्लॉग बना लेती हैं हाथ में पकड़ के कैमरा, लाइक बहुत मुश्किल काम है, और वो भी जब बहुत ज़्यादा रश हो और कैमरा निकालो एवरीबडी लाइक ताड़ रहे होते हैं कि क्या करिए ये बंदी। सो मैं आपको वन बाय वन तमाम चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि मैंने ख़रीदी हैं। आई हैड सच अ वंडरफुल टाइम विद सवेरा, थैंक यू सो मच सवेरा फॉर कमिंग। एंड अब हम चलते हैं चीज़ों की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है लेनन कंपनी से, ठीक है, जो कुछ बाहर से दिखती है इस तरह से, केम विद दिस टोट बैग जिसके अंदर ये होता है। आई वॉन्टेड काफ़ी दिनों से एक बेड शीट, लाइक आई नो गर्मियाँ जा चुकी हैं, जा रही हैं, फॉल आ गया है, बट स्टिल आई वॉन्ट फ्रेश और आई कैचिंग बेड शीट। तो आई गॉट दिस बिल्कुल प्लेन वाइट बेड शीट, उसके ऊपर पाम समर पाम डिज़ाइन बना हुआ है, लीव्स यू नो। तो आई वॉज थिंकिंग कुछ दिनों पहले सेल लगी हुई थी इनकी वेबसाइट पे एंड मैंने ऐड टू कार्ट किया था इस बेडशीट को एंड मैं पे करना भूल गई, लाइक यू नो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो वो प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। एंड जब मैं वहाँ पे गई शॉप पे तो जो सेल थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो आई पेड 3,500 रुपीज़ फॉर दिस बेडशीट, पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में 1,500 रुपये की ये बेडशीट थी जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। ये बेडशीट और दो पिलोज हैं एंड दैट्स इट, एंड ये किंग साइज बेडशीट है। सो आप इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, इसकी वेबसाइट जो है ना नीचे मैं लिंक डाल दूंगी अगर आप लोगों ने लेनी हुई तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं गई आउटफिटर्स।
आउटफिटर्स पे जो है वो सेल लगी हुई है स्टिल, तो इफ यू वांट टू गेट समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर किड्स, यू कैन गेट इट. मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने फैक्ट्री आउटलेट जाना था बच्चों के लिए, वहां से मैं लूंगी क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट फैक्ट्री आउटलेट्स पे आपको जो है वो सर्दियों का स्टफ भी मिलेगा, और बाकी आउटलेट्स पे मुझे सर्दियों का कोई स्टफ नजर नहीं आया. तो अगेन आई विल बी गोइंग टू बिल्डर्स मॉल और अपने बच्चों के लिए मैं लूंगी सर्दियों के लिए चीजें सून, मे बी शायद सेल तब तक खत्म ना हो. तो आई गॉट सम टी शर्ट्स जिम के लिए. मैं मेन सेक्शन गई एंड XXXL होता नहीं है उनके पास, लार्ज साइज ही होता है, बट मैंने वहाँ से जो है वो टी शर्ट्स खरीदी. अच्छा, तो पहली जो है इज बिल्कुल प्लेन दिस टी शर्ट जो कि मैंने बिल्कुल उल्टी पकड़ी हुई है, लार्ज साइज में बिल्कुल प्लेन टी शर्ट है, हाफ स्लीव्स एंड नीचे से थोड़ी सी यूं कर्वी स्टाइल में है, बैक इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, फ्रंट शॉर्ट है. लाइक आई लव दिस काइंड ऑफ टी शर्ट जो कि आपको बैक से कवर करे और फ्रंट से अगर शॉर्ट भी हो तो इट्स ओके. तो आई गॉट दिस वन, मेरे ख्याल से 1050 रुपीज की थी. अच्छा, नेक्स्ट वन इज सुपर कम्फी टी शर्ट. अगेन आई गॉट इट 990 की मेरे ख्याल से, और मस्टर्ड कलर में है ये. इसके बाजू पे कुछ इस तरह की लिखा हुआ है, मंडे इज कैंसल्ड, ठीक है. एंड यहाँ पे भी इसकी लिखाई, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है. अगेन इसका फ्रंट शॉर्ट है एंड बैक जो है वो लॉन्ग है. 990 रुपीज आई थिंक काफी अच्छा है फॉर दिस शर्ट. आई एम लविंग इट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही प्यारी एंड क्यूट टी शर्ट मैंने खरीदी अगेन फ्रॉम आउटफिटर्स. साइज जो है तमाम लार्ज है और ये गर्ल्स सेक्शन में थी. कैन यू सी द इयर रिंग्स द गर्ल इज वेयरिंग, आई लव इट. एंड ये कुछ हाफ स्लीव्स और थ्री क्वार्टर स्लीव्स इसको कहते हैं और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. ये बिल्कुल प्लेन है नीचे से और बिल्कुल सेम है, लाइक आगे पीछे जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं है. और मुझे मच्छर ने काट लिया है, ओ माय गॉड, डिंगी ना हो जाए मुझे, आजकल डिंगी बहुत फैला हुआ है. इसकी प्राइस थी 1500 रुपीज़, लेकिन आफ्टर सेल ये 990 की मुझे मिली है. अच्छा, तो लड़कियां काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई ब्राइडल स्किन केयर रूटीन हमारे साथ शेयर करें या कोई भी अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन हमारे साथ शेयर करें. अफोर्डेबल नहीं कह सकते स्किन केयर रूटीन को, लेकिन फिर भी इट इज़ गुड. तो मैंने ख़रीदी एवेलाइन की वाइट प्रेस्टीज 4D. ये है मेकअप रिमूविंग लोशन. आई ऑलरेडी हैव वन जो कि फिनिश हो गया है, सो आई गॉट अनदर वन फॉर द सेक ऑफ वीडियो, ताकि वीडियो में मैं आपको दिखा सकूँ इसको यूज़ किस तरह से करते हैं. देन आई हैव वाइट प्रेस्टीज 4D का सीरम, ठीक है. ये लाइटनिंग सीरम है, बूस्टिंग रिड्यूसिंग डिसकलरेशन को जो है वो ख़त्म करता है ये ऐसा कहता है. इसमें हाइलोरोनिक एसिड भी मौजूद है. आई विल यूज इट एंड टेल यू कि काम करता भी है कि नहीं. इसका फेस वॉश जो है, ये मैंने पूरी किट खरीदी है, इसका फेस वॉश जो है वो वॉशरूम में पड़ा हुआ है, आई एम यूजिंग इट, ठीक है. और इसका ये है फेस स्क्रब. एंड देन वी हैव वाइट प्रेस्टीज 4D का वाइटनिंग फेशियल मास्क जो कि ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है. एंड देन वी हैव वाइट प्रेस्टीज 4D का डे क्रीम. सो ये चीज़ें हैं, आई विल बी यूजिंग इट, ठीक है. और फिर एक हफ्ता दो बाद आप लोगों को रिव्यू दूंगी इन चीज़ों का कि ये किस तरह से है. मैं और सवेरा देन गए खाड़ी, और खाड़ी से लाइक स्किन केयर लॉन्च हुई है उनकी, अगर उसके रिव्यू आपने देखना है तो इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया है ऑलरेडी अबाउट देयर क्रीम, हेयर ऑयल एंड फेस वॉश और स्क्रब उसे कह सकते हैं, ठीक है. लेकिन अब मैं गई तो आई गॉट सोकिंग सेंसेशन से बॉडी मॉइस्चराइजर, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं एंड यू नो यू नीड बॉडी बटर एंड यू नीड बॉडी लोशन, क्योंकि बहुत ही ड्राइनेस हो जाती है और अक्सर शलवार चिपक जाती है पैरों के साथ. सो यू नीड अ बॉडी मॉइस्चराइजर. तो आई गॉट दिस, आप पे ही नाम पढ़ लो, ठीक है, फ्लोरल बर्स्ट बॉडी मॉइस्चराइजर. इसकी सेंट बहुत अच्छी थी, सो दैट्स व्हाई आई गॉट इट एंड इट इज़ 850 रुपीज़.
एंड ये अंदर से कैसे दिखता है वो भी दिखा दूँ. लाइक पैकेजिंग इज़ रियली 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 क्यूट. ये कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से. और ये मैंने ख़रीदा क्यों है, बॉडी शॉप और खाड़ी की स्किन केयर लाइन जो है इट इज़ ऑर्गेनिक. इसमें कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो कि आपकी स्किन को स्किन पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे. मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर हो गई अब. सो द थिंग इज़ कि अक्सर बॉडी लोशंस वगैरह यूज़ करने से आपके बॉडी हेयर जो है बहुत ग्रोथ होती है उनकी. तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें ऑर्गेनिक जिनसे ऐसा कुछ भी ना हो. सो आई विल बी यूजिंग दिस. इन सर्दियों में हो सकता है कि एक और टब ख़रीदना पड़े बिकॉज आई एम ह्यूज, आई नीड बहुत सारा मॉइस्चराइज़र. अच्छा तो आई गॉट दिस प्लेन येलो शर्ट जो कि मैंने वीडियो में पहले आपको दिखा दी है. एंड साथ में मैचिंग करके मैंने ये दुपट्टा ख़रीदा है जिसकी प्राइस है 2,300 rupees. एंड आई नो इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये दुपट्टा, बट यू नो मच्छर. तो खाड़ी पे आई पेड 8,031 rupees. अच्छा तो अब बारी है मिनीसो की. एंड यू गाइज डोंट नो तो मिनीसो की डिफ्यूजर्स, कैंडल्स, ओह आई लव देम. तो मैं फिर से गई एंड आई गॉट फ्यू. अच्छा इस बार मैंने कैंडल्स नहीं खरीदी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मैनी कैंडल्स, बट आई गॉट डिफ्यूजर्स कमरों के लिए. सो आई विल बी शोइंग यू दैट एंड कुछ वाइब्स एंड एवरी थिंग. बोली जा रही हूँ दिखा क्यों नहीं रही हूँ. आई पेड 7,000 rupees फॉर ऑल दीज थिंग्स. अच्छा तो सबसे पहले मैंने ख़रीदा है ये आई पैच, आई सूदिंग स्टीम आई मास्क समथिंग. तो इसको यूज़ किस तरह से करते हैं ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको ओपन करते हैं, ठीक है. और जैसे स्लीपिंग मास्क है ना उसी तरह से इसको आँखों के ऊपर लगा लेते हैं. तो एक पैक में यू विल गेट 5 ऑफ दीज. और मुझे पता नहीं है कि ये किस तरह से काम करते हैं. आई विल बी यूजिंग इट एंड टेल यू सून कि ये किस तरह से काम करते हैं. देन आई गॉट सेंट डिफ्यूज़र, ठीक है. इसकी सेंट जो है कोकोनट लाइम की तरह है एंड आई लव 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 देयर कोकोनट प्लस लाइम वाली कैंडल. अगर आप लोगों ने वो नहीं ली गो अहेड गेट इट, दैट इज सो 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 फ्रिकिंग गुड. सो अंदर से ये लुक्स लाइक दिस, ठीक है. और इसके साथ ये स्टिक्स होती हैं जो कि आपने इसके अंदर डालनी होती है और इसको आप कहीं पे भी रख दो, उफ सो गुड. लाइक आप इसको वॉशरूम में भी रख सकते हो, आप इसको किचन में भी रख सकते हो, आप इसको लिविंग रूम में भी रख सकते हो, जहाँ आपकी मर्जी हो, जहाँ आपको खुशबू चाहिए वहाँ पे आप इसको रखोगे. अच्छा देन आई गॉट दीज बेबी वाइप्स, मतलब हिबा के लिए. अगर अक्सर जाना पड़ता है और बैग में कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है. दीज आर ओडोरलेस वाइल्ड वाइप्स, ठीक है. हर एक पैक में यू विल गेट 10 वाइप्स. ये टोटल 6 हैं और हर एक में 10 वाइप्स हैं, ठीक है. एंड मेरे ख्याल से इसकी प्राइस थी 294 rupees. देन आई गॉट दिस कॉल्ड नॉर्डिक स्टाइल लॉन्ग वेकेशन साशे 5 pack. इसको क्या करते हैं, आप इसको कवर्ड में रख सकते हो, आप इसको अपने कपड़ों में रख सकते हो. लाइक इट इज़ ऑल्सो अ डिफ्यूज़र काइंड ऑफ थिंग, लेकिन आप इसको अपने कपड़ों के लिए यूज़ करते हो, अपने कबर्ड्स के लिए, अपने ड्रॉर्स के लिए यूज़ करते हो. मेरे कबर्ड्स में एक कबर्ड है जो नीचे है एंड दैट स्मेल्स बहुत ही बुरा. तो आई विल बी यूजिंग दिस उसके लिए. आई होप कि उससे ठीक हो जाए मेरी कबर्ड, आपकी कबर्ड, हमारी कबर्ड, सबकी कबर्ड. सो अगेन इट वॉज 249 rupees समथिंग, लाइक 300 से कम ही था इसका प्राइस, कम थी था. देन आई गॉट बहुत ही अच्छी चीज़, बाथ स्क्रबर एंड दिस बाथ लोफा स्क्रबर. यानी मतलब उस एक से मेरा काम नहीं होता था तो आई गॉट टू. लाइक घिस घिस के मैंने खुद को अपना छिलका ही उतार देना है. सो आई गॉट दिस वन. अच्छा तो चेरी ब्लॉसम बॉडी स्क्रब एंड जो कि दिखता कुछ इस तरह से है, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में है. सर्दियों में यू हैव टू यूज़ बॉडी स्क्रब्स वगैरह एंड इसमें 200 gram इज़ अवेलेबल. अगेन इट वॉज 200 something. देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने वहाँ पे और वो था ड्राई शैम्पू एंड दिस वन इज एनर्जी ऑफ फ्रूट्स ड्राई शैम्पू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रिमूव्स एक्सेस हेयर ग्रीस.
अच्छा मैंने जितने भी ड्राई शैम्पूज यूज़ किए हैं, जब भी उसे यूज़ करो बहुत ही हैवी हैवी फीलिंग होती है, जैसे पता नहीं 10 किलो का कुछ अपने सर में डाल दिया हो। आई विल बी ट्राइंग दिस आउट कि ये कैसा है, इफ़ इट इज़ गुड तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इट वॉज 700 रुपीज़ समथिंग, नहीं 400 रुपीज़ के 700। द बॉटल इज क्यूट। देन माई फेवरेट आइटम ऑल ऑफ दिस, इसमें से फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वो है दिस बोटैनिकल गार्डन मॉडर्न कलेक्शन, उसको बोलते हैं आई डोंट नो, एयर रिफ्रेशनर, सॉलिड एयर रिफ्रेशनर। अच्छा इसमें मेरे पास था ब्लू पैकेजिंग में, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, इवन मिनीसो पे भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। दैट वन वाज सो फ्रीकिंग गुड। तो इफ़ यू वांट समथिंग बहुत ही फ्रेश और समथिंग लाइट, एंड गेट दिस वन, ये बहुत ही अच्छा है, इट इज़ रीजनेबल एज वेल, 249 रुपीज़, लाइक 300 से कम या 400 का, बट वर्थ बाइंग, टोटली रिकमेंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने एक चीज़ खरीदी जो कि मुझे न्यू लगी, विच इज़ कॉल्ड फेशियल स्वर्ल मास्क क्रीम, विच इज़ फॉर ड्राई स्किन, और इसमें आता है एक पील समथिंग जो कि ग्रीन कलर में होता है, इसी बॉटल में ग्रीन कलर में होता है, वो जो है वो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, या वो भी ड्राई स्किन गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं, उसको जेंटली पील करना होता है, आपकी स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है। ये क्या करता है, ये ड्राई स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, यू नो, और वो डेड स्किन को रिमूव कर देता है। पर आप ये मत करिएगा कि ये वाला जो इस तरह के जो मास्क होते हैं मॉइस्चराइजिंग वाले, वो आप तब यूज़ करोगे जब आप अपनी स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव कर दो। लाइक आप स्क्रब यूज़ कर सकते हो और घंटा दो बाद जो है इसको यूज़ कर सकते हो कि मॉइस्चर आपकी स्किन को प्रोवाइड हो, लेकिन अगर आपकी स्किन पर डेड स्किन मौजूद है और उसके ऊपर आप ये लगा रहे हो तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, लाइक आपको एक्नी वगैरह हो जाए। तो मेक श्योर कि आप जो है अपनी डेड स्किन को रिमूव, देन अप्लाई दिस। एंड ये मेरे ख्याल से ये 1000 रुपीज़ का था। या तो ये थी मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो कि मैंने पिंडी से की थी। होप यू लाइक इट, एंड कैन यू सी माय फेस, लाइक आई एम लूजिंग वेट, एंड यू कैन डेफिनेटली सी दैट बिकॉज मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा पतला होता जा रहा है, एंड ये सब जो है गेट फिट एथलेटिक्स की बदौलत है। उनका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना डाइट प्लान जो है उनसे ले सकते हो। येस दे चार्ज, बट दे वर्थ इट, मतलब द डाइट वर्थ द प्राइस, ऐसे ही कह सकते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो, बट सीरियसली हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना या अडॉप्ट करना इज़ अ गुड थिंग, वो आपके लिए भी बेहतर से बेहतरीन है। अगर आप घर में रहते हो तो गेट फिट एथलेटिक्स से कॉन्टेक्ट करो, दे विल गिव यू अ हेल्दी डाइट जिसमें आपको भूखा रहना भी नहीं पड़ेगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस, यू नो आई एम लूजिंग वेट, एंड डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत जल्द आई विल बी 65 kg। आई नो एक 2 महीने लगेंगे, 2-3 महीने लगेंगे, बट यू नो एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट इज इक्वल टू वेट लॉस। सो या आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, आप गेट फिट एथलेटिक्स की यूट्यूब चैनल पर भी जाकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वो आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर देंगे, तो वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी, डू चेक देम आउट, एंड या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।